बोयिनपल्ली पुलिस ने नवंबर में हत्या की एक वारदात को हल कर लिया है। पुलिस ने बाबा खान की हत्या के जुर्म में उसकी बीवी जाहिदा और चार अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जाहिदा के नाजायज संबंध थे और उसमें पति को बाधा समझते हुए उसने नींद की गोलियां खिलाकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मुलजिमों को अदालती हिरासत में दे दिया है। फजू खान बंजारा से अपने को आके कंप्लेंट दिया, उसमें उनका उनके सिस्टर से बोले तो उनके बहन के जायदा से इनको इन्फॉर्मेशन है, उनका हस्बैंड मर गया है सर, आपने उनके को कंप्लेंट दी। फयाज आलम बोल से इनको जो रिश्ता है दूसरा रिश्ता के हिसाब से इनको शोर कूट जान लेने का प्लान करा। उसके बाद में उनके दो साथदार है मोहम्मद बाकर और मोहम्मद अकरम सैयद सज्जाद, ये चारों से मिलके 19 तारीख रात में इनको मुँह दबा दे के बाद में स्लीपिंग ट्री मर गया बोल के अपने को कंप्लेंट बना दिए गए, मगर अपने को उनको जान से मारने लगाया। तो इसमें जो रिश्ता है बाबा खान की जो बीवी जाहिदा है, जाहिदा उनको अलग से रिश्ता है, तो इस तरह इनको कैसे तो भी इनको निकाल देना बोल के मरा दे के बाद में सुबह जो बेटी है बेटी देख के इनको नहीं उठा बोल के बोलने से इनको देखे मगर हार्ट अटैक से मर गया हुआ बोल के पुलिस वालों को कंप्लेंट किया। मगर पुलिस में इन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 6 तारीख में इंस्पेक्टर बोयिनपल्ली राजेश और उनके से राशिद रघुवीर रेड्डी और उनके जो साथ पुलिस ऑफिसर हैं इनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन लोगों को पूछताछ किया गया, तो इन लोगों ने बोले उनको तो 19 तारीख में रात में जो हस्बैंड जो डिसीज्ड है तो उनको दबा दे के उनको उड़ा दिया गया।